हेलो एवरीवन, टेक न्यूज़ के एक नए फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। टेक्नो प्रशांत पे और मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज आपके लिए लेके आ गया हूँ टेक न्यूज़ का एक नया और फ्रेश एपिसोड जो कि आपको हमारे चैनल पे रोजाना देखने के लिए मिलती रहती है मंडे टू सैटरडे। तो चलिए टेक न्यूज़ का एपिसोड फटाफट से शुरू कर लेते हैं। उसके पहले बता दूंगा, आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों चैनल पर हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए दोस्तों मिलती रहती है। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जो पहली खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। जो सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड 2 है वो लॉन्च होने वाला है। 64 मेगापिक्सल का इसमें आपको जो कैमरे का सेटअप है वो देखने के लिए मिलने वाला है। 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ में ये फ़ोन 12 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल के यानी ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप आपको देखने के लिए इस फ़ोन में मिलेगा। 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट वाली एक डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी आपको इस फ़ोन में। और बात करते हैं इसका जो प्रोसेसर होगा वो स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 865 प्रोसेसर होगा, यानी कि ये फ़ोन जो 5G फ़ोन होगा 12GB की रैम के साथ, हो सकता है कि ये फ़ोन 256GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ जाए। और साथ ही जो इसकी कीमत है वो हो सकती है तकरीबन 1,36,000 से लेके 1,51,500 रुपये तक इसकी जो कीमत है वो जा सकती है, यानी कि इतना महंगा ये फ़ोन हो सकता है। 1,36,000 से लेके 1,51,000 तक इसकी कीमत दोस्तों हो सकती है। तो सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी फोल्ड को लेके बस इतनी खबर थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करते हैं भैया दूसरी खबर की। जो दूसरी खबर निकल कर वो आ रही है LG वेलवेट की तरफ से। LG वेलवेट में आपको 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। 7 मई को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। जो इसकी स्पेक्स हैं वो निकल के सामने आ गई हैं, जो कि 7 मई को लॉन्च होने वाला है। 3D आर्क डिजाइन के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा। 6.8 इंचेस के 1080x2340 पिक्सल वाले डिस्प्ले के साथ में 20:5:9 का एक्सपेक्ट रेशियो होगा। और साथ ही इसमें आपको शानदार एक साउंड क्वालिटी जो होती है शानदार देखने के लिए मिलेगी। 48 मेगापिक्सल के दोस्तों प्राइमरी सेंसर के साथ में आएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और वही 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने के लिए इस फ़ोन में देखने के लिए मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा। स्नैपड्रैगन की तरफ से वाला 765 प्रोसेसर भी आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा। 4300mAh की बैटरी 10W की फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगी, सॉरी 10W की वायरलेस चार्जिंग के साथ में आएगी। 5G सपोर्ट इस फ़ोन में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो यही LG वेलवेट होगा उसमें आपको 5G यानी कि स्नैपड्रैगन का 765 जो प्रोसेसर है वो 5G को सपोर्ट करता है। तो भैया बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर होने वाली है वो होने वाली है एप्पल की तरफ से, जो आईफोन 12 को लेके है। आईफोन 12 में एक बड़ा अपग्रेड होगा। इसमें हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ में जो डिस्प्ले है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमको डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि फ़ोन जो है वो अपने साथ में पहली बार से एप्पल की तरफ से ऐसा होगा कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में जो होगा फिंगरप्रिंट वो भी डिस्प्ले में लॉन्च होगा। साथ ही 5G कनेक्टिविटी के साथ में आएगा और OLED डिस्प्ले होगा। क्वालकॉम का जो इसमें प्रोसेसर दिया, क्वालकॉम का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है कि ये फ़ोन एक फ़ोन 5.4 इंचेस का और एक फ़ोन 6.1 इंचेस का और एक फ़ोन 6.7 इंचेस का हो सकता है आईफोन 12 सीरीज में। अभी ये कंफर्म हो गया है कि जो होने वाला है इसमें जो डिस्प्ले होने वाला है वो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको मिलने वाला है, यानी कि एक OLED डिस्प्ले के साथ में सुपर एमोलेड पैनल होगा जिससे आपको डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा। ना ही कि आपको बस फेस अनलॉक से काम चलाना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट भी इस बार दिया जाएगा एप्पल की तरफ से। तो भैया बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस खबर में बस इतना ही। चौथी खबर की बात करते हैं। जो चौथी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो निकल के आ रही है सैमसंग की स्मार्ट टीवी को लेके। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता था कि जो एप्पल का म्यूज़िक होता है वो सैमसंग के जो स्मार्ट टीवीज़ हैं उसमें कनेक्ट नहीं होता है या फिर उसमें सपोर्ट नहीं होता है, उसमें नहीं चल पाता है। तो बहुत सारे लोगों को इसको लेके दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी ऐसा अपडेट आ गया है, ऐसा कुछ सैमसंग स्मार्ट टीवी में कुछ अपडेट आया, कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं कि आप उस पर अभी एप्पल का जो एप्पल म्यूज़िक है उसको एक्सेस कर पाएंगे अपने सैमसंग के स्मार्ट टीवी पे अपडेट के जरिए। ये फिक्स कर दिया गया ये भी जो भी प्रॉब्लम थी। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो अभी सैमसंग के टीवी है आपको उसमें अगर आप एप्पल के म्यूज़िक को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सैमसंग ने भी ये कंफर्म कर दिया है एक ट्वीट के जरिए। सैमसंग ने इसको कंफर्म किया है। जो ट्वीट है उसमें लिखा गया है सैमसंग पार्टनरशिप विथ एप्पल म्यूजिक ब्रिंग एक्सेस टू ओवर 60 मिलियन सॉन्ग्स 1000 ऑफ, यानी दोस्तों तकरीबन जो उसने सैमसंग ने डील कर ली है एप्पल के साथ में और जो भी उसके सॉन्ग्स हैं एप्पल म्यूजिक पे आपको देखने के लिए मिलेंगे वो अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे सैमसंग के स्मार्ट टीवी पे भी। तो इस खबर
तो भैया बात करते हैं पांचवी खबर की। जो पांचवी खबर आ रही है वीवो की तरफ से आ रही है। वीवो ने अभी सैमसंग को पछाड़ दिया है इंडियन मार्केट में। सैमी पहले नंबर पे था, उसके बाद सेकंड नंबर पे सैमसंग था, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर है उसमें मार्च तक वीवो ने 67 लाख डिवाइसेज अपने इंडिया में सेल किए हैं। उसके साथ में 13 करोड़, सैमी ने 13 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री करके नंबर वन पे है। साथ ही 67 लाख यूनिट बेचे हैं। इसमें 50% का जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है वीवो के स्मार्टफोन के जो सेल्स हैं उसमें। पहले सेकंड नंबर पे सैमसंग था, लेकिन अभी सैमसंग थर्ड नंबर पे चला गया है। वीवो इंडियन मार्केट में पहली बार सेकंड नंबर पे आया, यानी कि पहली बार वो सैमसंग से आगे निकल गया है। अभी सेल ज़्यादा बढ़ा के वो सैमसंग के आगे निकल गया, ऐसी खबर है कुछ। तो अगर आपने वीवो का फ़ोन लिया है तो आपके लिए थम्सअप दोस्तों, क्योंकि वीवो अभी सेकंड नंबर पे आ गया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करते हैं आज की छठी और लास्ट खबर की दोस्तों। वो निकल के आ रही है एयरटेल और नोकिया के बीच हुई एक डील की, जो 7,500 करोड़ की डील है। इससे मिलकर नोकिया और एयरटेल जो नेटवर्क्स होंगे उनको और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी ने नोकिया और एयरटेल के बीच 4G नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जो उनसे जो की है, जो नेटवर्क्स बनाते हैं या फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनसे 7,500 करोड़ की डील कर ली है। ये कुछ ऐसा पता चला है। इसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि ये रोल आउट फ्यूचर में 5G कनेक्टिविटी की बुनियाद रखेगा और साथ ही अलग अलग 3 स्पेक्ट्रम बैंड्स पे 3 लाख रेडियो यूनिट्स लगाए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो ये दोनों ने मिलकर डील की है, एयरटेल ने और नोकिया ने, वो हो सकता है कि जो नेटवर्क्स हो, नेटवर्क जो इक्विपमेंट बनाती है कंपनियां उसको लेके कुछ हो, और आगे चल के हमको जो नेटवर्क से कनेक्टिविटी हो, 4G हो या फिर 5G लॉन्च होता है तो 5G उससे हमको काफ़ी बेहतर जो कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाए, और आपका कोई कमेंट या सुझाव दोस्तों तो हमको नीचे दे कमेंट बॉक्स में ध्यान से बताइए। और चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए तो आपको पता ही है क्या करना है, करके जाइए। और आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे दे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए बताइए बताइए। और दोस्तों मिलूंगा कल आपसे टेक न्यूज़ के एक नया फिर एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम।